अयोध्या में राम कथा पार्क से निकला भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का रोड शो। रोड शो में बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय लोग शामिल हुए। राम कथा पार्क से निकाला गया जुलूस 9 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हुए कलेक्टर पर होगा सवाल। नामांकन जुलूस में दिख रहा उत्साह। नगर विधायक वीर प्रकाश गुप्ता, खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पूर्व सांसद विनय कटियार और गुसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खप्पू तिवारी भी जुलूस में शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शोभा यात्रा में थोड़ी देर में शामिल हो गए। अयोध्या के राम कथा पार्क से धूमधाम से निकाला गया सांसद लल्लू सिंह यादव का जुलूस। रथ पर सवार होकर निकाला गया। आज हमारे जनपद अयोध्या के बहुत ही शानदार प्रत्याशी और पूर्व में भी सांसद रहे माननीय लल्लू सिंह जी का बहुत ही ऐतिहासिक नामांकन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग, हम लोग हर समाज के, हर जात धर्म मजहब के लोग आज माननीय लल्लू सिंह जी के इस नामांकन जुलूस में शामिल हो रहे हैं। और ये ऐतिहासिक जुलूस देख करके ही विपक्ष अपना प्रचार बंद कर दिया है, अपने घर में बैठ गया है और मान गया है कि माननीय लल्लू सिंह जी लाखों लाख वोटों से जीत करके लोकसभा अयोध्या से प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। हमारे सारे नेता लग करके काम कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश है माननीय मोदी जी की नीतियों और योगी जी की नीतियों को सब लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और चूंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु का एक पॉइंट है, अयोध्या की सीट, इसलिए हम लोग लग करके अयोध्या की सीट से माननीय लल्लू सिंह जी को इतने ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे कि पूरे लोकसभा के जितने प्रत्याशी 543 सीटों में सबसे ज्यादा वोट यहां पर अयोध्या सीट से माननीय लल्लू सिंह जी को मिले। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और सारे लोग, पूरी टीम पूरी तरह काम कर रहे हैं। राकेश चौरसिया एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा, उत्तर प्रदेश। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।